मेरा नाम योगेश बैंसला है। मैं बेसिकली पलवल से बिलोंग करता हूँ, बट 15 साल से भी फरीदाबाद में रह रहा हूँ और मेरी एज 22 ईयर ओल्ड है। बाकी एक्टिंग को लेके मेरा जो प्रोस्पेक्ट रहा है, स्टार्टिंग में ये था कि बहुत इजी होगी। जब मैं टीवी वगैरह पे देखता था, लगता था कि ये तो कोई भी कर सकता है, तो मेरा भी ये था हाँ मैं भी कर लूँगा। बट फिर घर वालों के कुछ इश्यूज़ थे एक्टिंग मॉडलिंग को लेके कि उसमें नहीं भेजना क्योंकि वहाँ की लाइफ थोड़ी बेकार है ये वो। तो 1 साल लगा मुझे ये सब कुछ उन्हें समझाने में कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को जाना है, पर मेरा इंटरेस्ट ही यहीं पे है। बट पापा को ये था कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, हमेशा ही रहा उनको मेरे को लेके। तो फिर मैंने बीच में 1 साल जॉब करी थी उनको दिखाने के लिए कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मैंने 1 साल जॉब की थी RBL बैंक के लिए। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इन सब में ही था, फोटोग्राफ में, वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्ट यहीं था, तो मेरा मन ही लगता था वहाँ पर। तो 1 साल बाद मैंने जॉब क्विट कर दी। फिर 4 महीने मैं घर पे रहा और मैंने सोचा कि अब कैसे घर वालों को समझाऊंगा कि मुझे फाइनली करना गया अपनी लाइफ में। तो एक दिन सडनली मैंने पापा को बोला ऐसे कि मुझे एक्टिंग करनी है और मॉडलिंग सीखनी है। तो उन्होंने कहा ये था कि तुझे मना तो किया था पहले, अब दोबारा से इस बारे में बात क्यों करनी है। मैंने कहा आपके लिए मैंने सब कुछ किया, स्टार्टिंग से आपकी बात मानता आ रहा हूँ मैं, तो एक चांस मुझे भी देना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं सोचता हूँ। तो फिर सडनली एक दिन शाम को उन्होंने मुझे एक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के नाम भेजे, जबकि मेरा फर्स्ट था KNK में जाना, बट उन्होंने भेजे कि ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली में आसपास, इनमें जाके और बात कर ले अपने एडमिशन के लिए। मैं काफ़ी खुश था उस दिन कि मेरे पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली मेरी फैमिली मेरे साथ है अब। तो उसमें 2-3 इंस्टीट्यूट थे, बैरी जॉन था और भी एक दो थे, बट मेरा हमेशा था मुझे KNK जाना है। फिर पापा ने मुझे समझाया कि अगर तू घर के पास रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा तेरे लिए, तेरी हेल्थ का भी हम ध्यान रख पाएंगे और तुझे इतना दिक्कत भी नहीं होगी। तो फिर उन्होंने मुझे बैरी जॉन के लिए सजेस्ट किया। फिर मैंने उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े काफ़ी सारे, मैंने उनके बारे में देखा, फिर मैंने विजिट किया बैरी जॉन को। तो रिसेप्शनिस्ट से मैं मिला तो शायद मुझे इतना नहीं लगा था कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए, बट जब कुसुम मैम ने मुझे पर्सनली समझाया, जो जो मेरे क्वेश्चन थे मैंने उनसे सब कुछ पूछे, सब कुछ मैंने डाउट क्लियर करा एक्टिंग से रिलेटेड कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मेरा फ्यूचर है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही बोली थी कि बस एक चीज़ का ध्यान रखना इस फील्ड में, कभी पैसे के पीछे मत भागना, का हमेशा अपने टैलेंट को लेकर चलना, अपने आप को इम्प्रूव करना। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो शायद तुम्हारा जो गोल है वो छूट जाएगा। तो उन्हीं की ये बात से शायद मैं इम्प्रेस हुआ और मैंने बोला, उसी टाइम मैंने मैम को बोला कि मैं एडमिशन के लिए तैयार हूँ, आप पेमेंट कर, आप जितनी पेमेंट करनी है हाफ करवा लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बैरी जॉन में। उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे तो फर्स्ट डे आसपास अपने हम 8 लोग थे जब आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था, नर्वस भी थे काफ़ी ज़्यादा। तो फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, 2 टीचर्स मिले हमें, अनिरुद्ध सर और अपू सर, तो उनसे बात करना स्टार्ट हुआ। जब फर्स्ट डे जब ख़त्म हुआ तो हमें लगा ही नहीं था कि वो हमारा फर्स्ट डे है, कि जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की, जिस तरह हमने इन्जॉय करा, लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वीक हमारा नॉर्मल था, हमें लग रहा था कि हम कर लेंगे, थोड़ा ईजी था सब कुछ। बट जब हमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला तो हमें समझ आया एक्चुअल में कि एक्टिंग क्या है, और एक्टिंग शायद एक नाम इजी है बट उसको करना शायद मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। जब मैंने यहाँ पे सीखा टेक्निक्स, बेसिकली हमें जब कोई बोलता है कि यार तुम रो के दिखाओ अभी, तो हम नहीं रो सकते, बट अगर कुछ फैमिली में या किसी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम तो हम रो देंगे, इमोशनली हो जाते हैं। बट जब हमें एक्टिंग करने के लिए बोला जाता है कि यार अब तू रो, इस लाइन को इस तरह से बोल के दिखा, तो हम नहीं कर पाते। तो बेसिकली हम एक्टिंग में यही सीखते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, हम अपनी टेक्निक्स कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिंग बेसिकली है क्या। तुम्हें कुछ भी टास्क दिया जाता है क्या कि इस इंसान का तुम्हें रोल करना है, उसको प्ले करना, आई थिंक बहुत बड़ा टास्क है लाइफ में। मैंने सीखा है कि वो कैसे प्ले करा जा सकता है, एक्टिंग को कैसे फील किया जा सकता है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था एक 2-2 मंथ तो मुझे लगा कि शायद मेरा पापा का पैसा वेस्ट हो रहा है, बट उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ी आगे, जब मेन स्टेप पे आए और हमारे अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी दिखी, तो मुझे लगा कि हाँ अब शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। बाकी टीचर से फीडबैक ऑब्वियसली बुरे ही मिले थे क्योंकि हमें पता था कि हम स्टार्टिंग में, और उनका फीडबैक ही देना सही था। उनका ये था बेसिकली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये नहीं था कि उसको लेट डाउन करना है उस बंदे को, ये अच्छा नहीं करा, ऐसा नहीं था। उन्होंने हमें समझाया, एक चीज़ पर दो दो तीन तीन बार काम किया, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, बहुत हेल्प की है। बट लास्ट मंथ में एक्चुअल में फील हुआ कि शायद मैं एक्टर बन सकता हूँ, और टीचर्स को भी लगा कि हाँ हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है कहने के लिए बट
स्टिल मैं अपनी ये जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है मैं उसको बहुत लंबी लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी यहाँ से, बैरी जॉन से, स्टाफ से, मैनेजमेंट से, काफ़ी अच्छे लोग हैं। अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर किसी की लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको साइड रख के हम सब आगे बढ़े हैं। बस ये है कि मैं बहुत मिस करूँगा।